hello everyone welcome to our channel we are going to continue the series of insight as daily current affair of 31st october 2020 the topics that we are going to discuss today there are five topics that are from the main specific uh, point of view and there are three topics that are uh, prelim specific so let's start our discussion and if you are new in our channel then please do like comment and subscribe this channel for the new update so la let's start the news from gs2 paper which covers the topic of silent फीचर्स ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट तो न्यूज़ क्या है हु इज अ स्टार कैंपेनर ठीक है स्टार कैंपेनर रिलेटेड न्यूज़ है स्टेटस देखा जाए मतलब कंटेक्ट देखा जाए न्यूज़ का तो बोल सकते हैं कि जो स्टेटस है कांग्रेस लीडर का और जो फॉर्मर एमपी के जो चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ ठीक है वो एज अ स्टेट स्टार कैंपेनर करके एक्ट करते थे तो उनका जो है पार्टी ने उनको रिवॉक किया है रिवॉक किया मतलब कैंसिल किया है ठीक मतलब है थीके? और ये स्टेटस किसने रि रिवॉक किया है ठीक है स्टार कैंपेनर का इलेक्शन कमीशन थ्रू रिवॉक हुआ गया है क्यों रिवॉक किया गया है कि उन्होंने रिपीटन ऑफ वॉयलेशन ऑफ अ मोड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके थ्रू जो है जो भी प्रोसीजर है या जो इलेक्शन है वो रन करती है तो उसको जो है रिपीटेडली उनका वॉयलेसन दिखाई दे रहा है जिसके वजह से क्या हुआ है उनको जो एज अ स्टार कैंपेनर करके रिवॉव कर दिया गया अभी स्टार कैंपेनर क्या होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है अकॉर्डिंग टू तो द लॉ और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि अ पर्सन हु आर नॉमिनेटेड बाय द पार्टी टू द to campaign in a given state or uh, set of a constituency ठीक है ऐसा person जो एक uh, जो constituency होते हैं जहाँ पे election करते हैं ठीक है different जो election होते हैं उनके particular constituency particular unit में होते हैं ठीक है थीके? जो members खड़े रहते हैं तो एक particular constituency में एक जो set of a member uh, जो set of a constituency में एक जो एक person nominate होता गया party के through उसका हम बोलते हैं star campaigner and मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है जो पर्सन ठीक है एज अ स्टार कैंपेनर करके एक्ट करता है वो एक प्रोमिनंट या पॉपुलर जो फेस होता है उस पार्टी का वो होता है ठीक है इस तरीके से हमने स्टार कैंपेनर को डिफाइन कर दिया ठीक है अभी स्टार कैंपेनर का जो न्यूज़ देख ली कि जो कमलनाथ थे उनको पार्टी ने रिवॉक कर दिया गया है ठीक है रिवॉक किसके मतलब उनके पार्टी से उनको रिवॉक कर दिया गया है मतलब उनको जो स्टार कैंपेनर इनिशियली कंसिडर करते हैं उसको भी नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि उनका काफ़ी सारा रिपीटेशन दिखा गया है वॉयेशन ऑफ अ मॉडल मॉडल का कोड ऑफ कंडक्ट एंड रिवॉक किया गया है इलेक्शन कमीशन थ्रू अभी इसका इंप्लीकेशन क्या होगा द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनी कैंपेन बाय द मिस्टर नाथ फॉर द नवंबर थ्री बाय द इलेक्शन विच विल बी प्रॉन बाय द कैंडिडेट इन दोज हुज कंस्टिट्यूंसी ही कैंपेन ठीक है अभी क्या दिया इंप्लीकेशन इस तरीके से होगा अभी बेनिफिट क्या दिखाया गया ठीक है देखा जाए तो जो भी दिखाई जो इलेक्शन होते हैं तो कैंपेन जो किया जाता है ठीक है जो भी रैलीज होती है जो भी न, आ, मतलब uh, जो रैलीज लेके जाते हैं ठीक है एक पॉपुलर फेस के साथ ठीक है उस टाइम पे क्या होता है उनको हर एक इलेक्शन कंडक्ट करते वक्त एक पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं कि आपको इतना जो है एक्स अमाउंट ऑफ जो है एक्सपेंडिचर आप खर्च कर सकते हो उसके ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो ठीक है तो अभी जो स्टार कैंपेनर रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होता है ठीक है सच कैंपेन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सच कैंपेनिंग बाय सच कैंपेनर इज एक्जेंप्टेड फ्रॉम बींग एडेड टू द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट ठीक है पर्टिकुलर कैंडिडेट का एक इतना एक एक्सपेंडिचर होगा एक्स एक्सपेंडिचर तो ये स्टार कैंपेनर होते हैं ठीक है थीके? उनका जो एक्सपेंडिचर होता है ठीक है इट इज एक्समटेड फ्रॉम बींग एंडेट इन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट एंड हाउ दिस ओनली अ स्टार कैंपेनर लिमिट हर्सल टू गिव टू अ जनरल कैंपेन फॉर द पॉलिटिकल पार्टी शी रिप्रेजेंट ठीक है एक जनरल कैंपेन होता है उसी टाइम पे ये जो कंडीशन है वो लिमिट होती है ठीक है रिसेंटली क्या किया गया है जो तो स्टार कैंपेनर रिलेटेड कुछ नॉम्स जो है इलेक्शन कमीशन ने रिवाइज़ किए हैं ठीक है तो सबसे पहला क्या नॉम है मैक्सिमम नंबर ऑफ अ स्टार कैंपेनर जो है वो रिड्यूस कर दिए गए थर्टी से फोर्टीन से थर्टी तक ठीक है जो भी रिकग्नाइज पार्टी के कैंपेनर होते हैं एंड जो अन रजिस्टर्ड पार्टी होते हैं उनके जो स्टार कैंपेनर इनिशियली ट्वेंटी रहते थे अभी कितने हो गए पंद्रह हो गए हैं अब क्या है बिसाइड पहले क्या होता था नॉट रिक्वायर्ड परमिशन फॉर द डिस्ट्रिक्ट सॉरी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल फोर्टी एट हवर प्रायर टू द कैंपेनर ठीक है नाउ क्या है अभी हमें जो परमिशन लगेगी जो इलेक्शन uh, की हमारी जो रैली होती है कैंपिंग करना रहता है तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जो ऑफिसर्स होते हैं ऑफिशियल होता है, है वहाँ से फोर्टी एट हावर पहले जो है आपको परमिशन सीख करने पड़ते हैं इस तरीके से हमने ये फर्स्ट न्यूज़ कवर कर ली अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं न्यूज़ है न्यू वेजेस कोड बार बोनस फॉर दोज फेसिंग सेक्स अब्यूज चार्जेस तो अभी क्या है कंटेक्स का तो अभी न्यू जो कोड आया है कोड ऑफ वेजेस ठीक है काफ़ी सारे लेबर रिफॉर्म रिलेटेड कोड आए हैं ठीक है तो इस बार जो ये कोड ऑफ वेजेस है यहाँ पे क्या बताया गया है इसमें एक प्रोविजन ऐड कर दी गई है कि दोज हुआर इन इंडलगिंग इन द सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ एनी फॉर्म कुल रन द रिक्स ऑफ लूजिंग आउट द बोनस ड्यू फॉर देयर एम्प्लॉयर ठीक है तो जो एम्प्लॉयर होता है उनका जो बोनस ड्यू होता है ठीक है जो भी पर्सन एंगेज होता है या इंगल्डिंग होता है एनी सेक्शुअल हरेसमेंट तो उस केस में उनका एक ऐसा हो रहा है कि आपको भी रिक्स उस पर्टिकुलर पर्सन को रिक्स रहेंगी फॉर गेटिंग अ बोनस ठीक है तो ये न्यू कोड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑपरेशन में आएगा सिंस गवर्नमेंट जब तक जब नोटिफाई करेंगे सारे रूल्स जो आने वाले हैं उसमें ठीक है और कुछ न्यू प्रोविजन इस वेजिस, कोड में देखा जाए ठीक है जैसा पहला प्रोविजन बताया कि इट इंक्लूड द कन्वेक्शन ऑफ अ सेक्शुअल हेरेसमेंट एज द ग्राउंड फॉर डिनेइंग द बोनस पेमेंट टू द एम्प्लॉयर एंड सेकेंड क्या है एज पर द एक्सटेंड लॉ बोनस ड्यू आर बैरिड ओनली इन केस ऑफ एम्प्लॉयज डिसमिस्ड फॉर द फ्रॉड वायलेंट कंडक्ट एंड थीफ और सेब्रोटेज ठीक है इसका मतलब क्या है इनिशियली मतलब ऐसा होता था कि अगर कोई इम्प्लॉय है ठीक है उसने उसका जो बोनस उसको बोनस पर ड्यू कब लगती थी बोनस जो बैरड होता था उस केस में क्या होता था मतलब इनिशियली कि कुछ फ्रॉड किया उसने या वॉयलेट किया कुछ भी कंडक्ट तो उस टाइम पर होता था अभी जो है सेक्शुअल हरेसमेंट में एंगेज हुआ ठीक है तो उस टाइम में भी जो है वो रिक्स अरेज करती है ठीक है इन द बोनस ऑफ द पर्टिकुलर वेजेस ठीक है अब क्या है सिग्निफिकेंस क्या है इस मू का ठीक है द प्रोस्पेक्ट ऑफ लूजिंग वन बेनिफिट मे मेक एम्प्लॉयस वन एम्प्लॉयज़ मोर केयरफुल ऑफ देयर कंडक्ट ठीक है तो ये कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपने जो कंडक्ट पे बहुत ज़्यादा केयरफुल वर्क करेंगे ठीक है क्योंकि उनका जो एक बेनिफिट है वो लूज हो सकता है ठीक है दिस सर्व एज अ एडिशनल डिटरेंट ठीक है एडिशनल डिटेरेंट सर्व करता है एज अ पार्ट ऑफ अ प्रिवेंशन ऑफ अ सेक्शुअल हरासमेंट लॉ ट्वेंटी थर्टीन का लॉ है ठीक है इस लॉ के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे मैंशन है कि फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इंटरनल कमिटी कंप्लेन कमेटी टू इंक्वायर द कंप्लेस ठीक है जो भी सेक्शुअल हरासमेंट रिलेटेड कंप्लेट होती है तो हर एक जो फॉर्म होता है वहाँ पे एक इंटरनल कमेटी का सेटअप होता है और कमेटी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिकमेंडेशन रिकमेंड करे जो भी एम्प्लॉयज है उनको ऑन द एक्शन ऑफ अ रिक्वायर्ड पर्सन टू इट सरी इन सच इफ़ द इंटरनल जो कम्प्लेंट कमेटी होती है अपोल्ड अ कंप्लेंट इट वुल बी कंस्ट्रक्ट एज अ कन्विक्शन एंड कन्विक्शन मतलब अगर उन्होंने जो कमेटी होती है उन्होंने अफोल्ड कर दिया तो अफोल्ड कर दिया कंप्लेंट को तो उसको एज अ कन्विक्शन करके कंसिडर किया जाता है उसके बाद क्या है इंटरनल कमेटी जो होती है कंप्लेंट कमेटी हैज़ अ पावर टू डिसाइड इफ़ समन इज गिली एंड द रिपोर्ट इज़ फर्दर टू द पुलिस ठीक है जो भी गिल्टी है वो डिसाइड करने का भी पावर उनकी कम, इंटरनल कमेटी के पास होता है और फर्दर उसको पुलिस के पास भेजा जाता है दो नॉट ऑल द सेक्शुअल हेरासमेंट केसेज ट्रांसलेटेड इन द पुलिस केस ठीक अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज चाइना गिर अप द स्ट्रेटेजिक पीरियड तो चाइना रूलिंग पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेटअप किया है उनकी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए और मिलिट्री पावर को बूस्ट करने के लिए अभी उन्होंने कुछ टारगेट अनाउंस किए हैं उन्होंने तीन टारगेट अनाउंस किए हैं जो उनको अचीव करना है दो तक सत्ताईस तक और थर्टी तक तो सबसे पहला क्या है कि वो बूस्ट करना चाहेंगे द, द, दो डोमेस्टिक कंजप्शन एंड द इनोवेशन सेकेंड है नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान अ हेड ऑफ दीपल लिब्रेशन पार्टीटल सेंटिनल इन ट्वेंटी ट्वेंटी no, सेवन तो उनका जो है डोमेस्टिक कंजपशन को और इनोवेशन को बूस्ट करना और नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जो प्लान है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तक और जो उनका मेन विजन है विजन ट्वेंटी थर्टी फाइव ठीक है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ब्लू प्रिंट दैट कॉल फॉर अ बिग लीफ इन अ इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी का पॉवरस ठीक है अभी सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इन ये जो इकोनॉमिक ब्लू प्रिंट है उनका ब्रॉडली है कि चाइना को उनकी जो जी है वो जो करंट जी को इंक्रीज़ करना है ट्वेंटी थर्टी फाइव तक इतनी अमाउंट ऑफ जीडीपी जो है उतना उनको अमाउंट इंक्रीज करने का उनका सोचा है प्लान इज़ आल्सो टू रिलीज व्हाट इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ अ रिच कंट्री एंड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी उनको रीच कंट्री और स्ट्रोंग आर्मी ऐसा भी उनका प्लान है ऐसा आ, उनको बनने का ठीक है उसके साथ साथ उन्होंने इट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ इंफॉर्मेलाइजेशन एंड टू स्ट्रेंथन मिलिट्री ट्रेनिंग एंड द वॉर प्रिपरेशन द नेक्स्ट वन इज वॉट इज़ द रूरल डेवलपमेंट फंड तो ये न्यूज़ है कंटेक्स देखा जाए तो सेंट्रल ने बोला है पंजाब गवर्नमेंट को तो की वो एक्सप्लेन करे रिलेटेड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ अ रूलर डेवलपमेंट फंड दैट इट गेट लार्जली फ्रॉम द फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया दिस हैज़ इंग्रेज़ द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मिलता है उनको जो रूल रूलर डेवलपमेंट फंड उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन मांगा है सेंटर ने पंजाब गवर्नमेंट से अभी रूरल डेवलपमेंट फंड क्या है तो ये क्या होता है थ्री परसेंट ऑफ़ अ सेस लीड ऑन अ परचेज ऑफ अ सेल ऑफ अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अंडर द रूरल डेवलपमेंट फंड एक्ट नाइनटीन एटी सेवन के अंडर जो आता है ठीक है तो ये सेस uh, uh, होता है ठीक है थ्री परसेंट सेस लीड होता है ऑन द परचेज ऑफ अ सेल परचेज और सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ठीक है इट इज एग्जीक्यूट किया गया है जो पंजाब की डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट बोर्ड थ्रू ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है एग्जीक्यूट किया गया है और विद द चेफ चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है ठीक है फ्रॉम वेयर डज द पंजाब गेट दिस फंड एंड वॉट इट इज़ यूजफुल फॉर अभी पंजाब को ये फंड कहाँ से मिलता है इट कम मेनली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट जो परसेजिंग एजेंसी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनके थ्रू ही फंड मिलता है एंड उनका देखा जाए तो वो बाय करती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो नियरली बाय करती है अराउंड थर्टी मिलियन टन ऑफ अ वीट एंड सिक्सटी मिलियन टन ऑफ अ पैडी एवरीडे फ्राम द पंजाब स्टेट ठीक है एंड दिस फंड इज सपोज टू बी यूज फॉर द क्रिएशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एंड आउटसाइड द मंडीज ठीक है मंडीज जो होते हैं ठीक है लोकल मंडीज जो होते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना इनसाइड एंड आउटसाइड द मंडीज जो है इस फंड का मेन जो होता है सपोज टू यूज़ दैट फंड इन दिस वर्क्स एंड बट देयर हैज़ बीन चार्ज इन द पास दैट इट हैज़ बीन डायवर्टेड बाय द स्टेट फॉर द अदर पर्पज पर ऐसा ऐसा बोला गया है ऐसा देखा गया है कि जो ये मेन उनका फंड का यूटिलाइजेशन ठीक है उस फील्ड में ना करते हुए मेन जो उनका फील्ड है वहाँ पर ना करते हुए डिफ्रेन यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है ऐसा भी एक uh, बोला गया ऐसा भी चार्जेस लगे गए लगे हैं ठीक है इस तरीके से हमने ये न्यूज़ देख ली अभी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में देखते हैं ड्राफ्ट मॉडल एक्ट uh, ऑन अ लैंड टाइटल्स तो नीति आयोग हाँ ने रिलीज किया है एक ड्राफ्ट ठीक है रिलेटेड टू द मॉडल एक्ट एंड द रूल्स ऑफ फॉर द स्टेट ऑन अ कंक्लूजिव लैंड टाइटलिंग ठीक है अभी लैंड टाइटलिंग क्या है इसके बारे में बताऊँगी लैंड टाइटलिंग इज अ फॉर्म ऑफ अ लैंड रिफॉर्म इन विच प्राइवेट इंडिविजुअल एंड द फैमिलीज आर गिवन अ फॉर्मल प्रॉपर्टी राइट ठीक है प्राइवेट इंडिविजुअल हो या फैमिली हो उसको फॉर्मल प्रॉपर्टी राइट दिए जाते फॉर अ लैंड इनिशियली विच हैज़ बीन प्रीवियसली ऑक्युपाइड इनफॉर्मली और यूज ऑन द बेसिस ऑफ अ कस्टमरी लैंड ट्रेन्यूअर ठीक है तो इनिशियली मतलब जो प्रीवियसली जो होता है वो पर्टिकुलर लैंड वो बेस होता है ठीक है इन्फॉर्मली बेस्ड ऑन द कस्टमरी लैंड ट्रेन्यूअर तो अभी जो लैंड टाइटलिंग का जो प्रोविजन है उसमें क्या होता है लैंड रिफॉर्म इस तरीके से किया जाता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल एंड द फैमिलीज आर गिवन अ फॉर्मल प्रॉपर्टी राइट फॉर द लैंड ठीक है तो इसके रिलेटेड जो है नीति आयोग ने ड्राफ्ट निकाला है ऑब्जेक्टिव देखा जाए टू रिड्यूस द लिटिगेशन एंड ईज द लैंड एक्वाइजेशन प्रोसेस फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ठीक है लैंड एकवाइजेशन प्रोसेस को ईज करना ठीक है रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट अभी मॉडल एक्ट के अंडर क्या है कुछ आ, जो पॉइंट्स दिए हैं सबसे पहला है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेंगी कि वो आ, मतलब वो इस्टेब्लिश करें एडमिनिस्टर करें एंड मैनेज करें जो भी सिस्टम रहेंगे रिलेटेड टू द टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ इनमूवेबल प्रॉपर्टी ठीक है जो लैंड डिस्प्यूट रहेंगे ठीक है रिजोल्यूशन ऑफिसर्स थ्रू किया जाएगा और लैंड टाइटल्स एपीले ट्रिब्यूनल्स भी रहेगा टू अ द वन शॉर्ट इंस्टीट्यूशन विच विल फेड अवे द वर्क रिड्यूस ठीक है वर्क को रिड्यूस करने के लिए जो है ये दोनों फॉर्म रहेंगे ठीक है लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑफिसर्स एंड लैंड टाइटल अपेलेट ट्रिब्यूनल ठीक है थ्री ईयर का आफ्टर द थ्री ईयर ऑफ इट नोटिफिकेशन द रजिस्टर ऑफ अ टाइटल अटेन कंक्लूसिवली विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्शन ठीक है जो भी है इश्यूज जो है मतलब जो भी मैटर है टाइटलिंग ऑफ द लैंड ठीक है लैंड टाइटलिंग वो uh, जो है थ्री ईयर के नोटिफिकेशन के बाद जो है विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्शन अंडर गो करेगा ठीक है रजिस्टर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्या है पॉइंट कंक्लूसिव लैंड टाइटल्स आर गारंटेड बाय द स्टेट फॉर करेक्टनेस ठीक है कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग है वो गारंट किए जाएंगे स्टेट के थ्रू एंड विद अ फॉर्म एंड अ करेक्ट वे एंड इन टाइटल प्रोविजन ऑफ अ कंपनसेशन कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा बाय द स्टेट इफ एनी केस देर इज डिस्प्यूट और नॉट ओके Uh, अगर एनी पर्सन इज अग्रीड मे मे फाइल एनी ऑब्लिगेशन ऑब्जेक्शन बिफोर द टाइटल रजिस्टर ऑफिस विद इन थ्री ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्च नोटिफिकेशन ठीक है अगर किसी भी पर्सन को कुछ ऑब्लिगेशन रहा रिलेटेड टू द टाइटलिंग ऑफ अ लैंड तो उस टाइम पे क्या है वो पर्सन जा सकता है टाइटल रजिस्टर ऑफिस के पास विद इन द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अ नोटिफिकेशन और जो भी डिस्प्यूट है फिर वो रजिस्टर किया जाएगा और बाद में जो है Uh, जो लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑफिसर है उसके थ्रू वो डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा ठीक है पार्टी एग्रीड विथ एन ऑर्डर ऑफ अ लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑफिसर में file an appeal before the land titling appellate tribunal within 30 days of a passing of a such order ठीक है within 30 days जो है land uh, appeal tribunal के पास जो है resolution uh, related जो officer रहेगा वो लेके जाएगा ठीक और within 13 days जो order है वो pass किया जाएगा उसके साथ साथ next क्या है a special branch of high court uh, will be designated special branch designate किए जाएंगे जो deal करेंगे जो भी uh, files आते हैं ठीक है थीके? जो भी issues आता है land appellate tribunal uh, titling appeal tribunal के पास ठीक है need for और सच सिग्निफिकेंस ऑन कंक्लूजिव लैंड टाइटल्स क्यों असें नीड किया थी और सिग्निफिकेंस क्या है इसका तो फॉर कंक्लूजिव लैंड टाइटलिंग जो है गारंट किया जाता है स्टेट के थ्रू ठीक है फॉर इट करेक्टनेस एंड इन टाइटल प्रोविजन फॉर कंपनसेशन ऑफ अ स्टेट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ठीक है अगर डिस्प्यूट आए तो कंपनसेशन स्टेट के पास दिया जाएगा स्टेट के थ्रू दिया जाएगा ठीक है तो ये कंक्लूजिव लैंड टाइटलिंग जो है ठीक है ये फैसिलिटेट करेंगे ईजी जो है इजी एक्सेस टू द क्रेडिट टू द फार्मर और रिड्यूस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ लैंड रिलेटेड लिटिगेशन ठीक है और इसके साथ साथ ये इनेबल करेंगे एक ट्रांसपेरेंट रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन हो और इसके साथ साथ लैंड एक्वाइजिशन जो हो Uh, वो प्रॉपरली मिले फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड गारंटी टाइटल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप एंड एडोप्टेड इन मेनी कंट्री ठीक है टाइटल जो रिलेटेड जो लैंड टाइटलिंग है ठीक है वो इंडिया में अभी ला रहा है पर इसके पहले भी काफ़ी सारे जो कंट्रीज है वहाँ पर इनिशियली था ठीक है अडॉप्ट किया है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया न्यूजीलैंड हो गया सिंगापुर हो गया और यूनाइटेड किंगडम हो गया ठीक है फ्रेमवर्क के बारे में हमने देख लिया अब नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू द प्रिलिम्स तो न्यूज़ क्या है डब्ल्यू आई आई टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन ऑलिव रिडल टाइटल तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को कि वो एक फ्रेश स्टडी कंडक्ट करे ठीक है और आइडेंटिफाई करे जो भी मोमेंट्स हो रहे ऑलिव रिडल सी टर्टल्स के ठीक है अगर की फैक्ट उनका जो कंजर्वेशन रिलेटेड जो है एफर्ट्स करें ठीक है ऐसा उन्होंने बोला है ठीक है और क्या है की फैक्ट्स देखा जाए ऑलिव रेडल टाइटल के टर्टल के बारे में तो एक स्मॉलेस्ट और मोस्ट एबर्डेंस ऑफ ऑल सी टर्टल फाउंड इन द वर्ल्ड ठीक है वो इनहेबिटेंट है वाटर ऑफ अ स्पेसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशन रीजन में ज़्यादातर मिलते हैं और दिस टी टर्टल्स अलॉन्ग विद यर कजिन्स उनका दूसरा उनका जो कज़िन है ठीक है कैम्फी रिडल टर्टल आर द बेस्ट नोन फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग कॉलेज अरीबाबा ठीक है अरीबाबा उनके एक नेस्टिंग का ये है ठीक है तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और वेयर थाउजेंड ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू लेंग एक ठीक है तो थाउजेंड ऑफ़ जो इस ब्रीड के जो फीमेल्स होते हैं वो एक ही जगह आते हैं और वहाँ पे वो ले उनका जो एग है वो वहाँ पे देते हैं ठीक है थीके? ले ले दे एग्स एंड ऋषिकुल या रोकरी कोस्ट ठीक है ये गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है गहिर माथ बीच ठीक है एंड द माउथ ऑफ अ देभा रिवर ठीक है एक मेजर नेस्टिंग जो साइट है उड़ीसा में फॉर ऑलिव रिडल टर्टल्स नेक्स्ट इज पंजाब वीविंग व्हीकल टैक्स फॉर अ बस ऑपरेशन तो पंजाब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि हंड्रेड परसेंट जो है वेवर्स दिया जाएगा ऑन अ मोटर व्हीकल टैक्स टिल डिसम्बर थर्टी फर्स्ट ऑन ऑल स्टेज कैरियर मिनी एंड द स्कूल बसेस के लिए ठीक है एंड विच विल डिफर द पेमेंट ऑफ अ रियरिंग ऑफ अ टैक्स विदाउट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी टू द मार्च थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन नेक्स्ट इज़ पावर स्कीम फॉर द वुमेन साइंटिस्ट तो पावर का फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ठीक है तो ये एक स्कीम है जो वुमेन साइंटिस्ट के लिए लॉन्च की है स्कीम का मेन एम देखा जाए तो मिटिगेट जो डेंजर जेंडर डिस्पैरटीज़ होती है साइंस फील्ड में इंजीनियरिंग रिसर्च फील्ड में उसको डिक्रीज करने के लिए एंड उनको जो है उसको मतलब जेंडर डिस्पैटीज़ वगैरह मिटिगेट करने के लिए जो है फंडिंग प्रोवाइड की जाएंगी इन द वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ठीक है इन इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में लॉन्च किया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड थ्रू और एक सैचरी बोर्ड है ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ठीक है दो मेन कंपोटेंट्स रहेंगे उसमें एसईआरबी पावर फेलोशिप और एस सी आर बी पावर रिसर्च ग्रांट ठीक है इस तरीके से एस सी आरबी क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च बोर्ड पावर ठीक है जो ये फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोर्टरी रिसर्च ठीक है यहाँ पे दिया है ठीक है वुमेन इन साइंस देखा जाए रेश देखा जाए वर्ल्ड वाइड अकाउंट करते हैं रिसर्च फील्ड में वुमेन्स जो है थर्टी परसेंट ठीक है यहाँ पे दिया है और काफ़ी सारे सिटीज में ठीक है साइंस साइंस का फील्ड यहाँ पे इस बॉक्स में दिया है कि वन इन नाइन इन मेन एंड वन इन फोर्टीन इन वुमेन ठीक है तो साइंस में काफी फिल्म में काफ़ी कम दिखाई दे रहे है रिसर्च फिल्म इंजीनियरिंग फील्ड में भी वन इन ठीक है वन बाई फाइव इसमें दिखाया जाए और वन इन ट्वेंटी वुमेंस दिखाई देते हैं ठीक है तो ये भी बहुत रिश्व हम देख सकते हैं ठीक है इसके लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टू डिज न्यू सेक्शन डे